तो फ्रेंड्स, R1 टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में जानते हैं आप अपने आधार कार्ड को सिर्फ 2 मिनट में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर ओपन कर लें। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सर्च करना होगा UIDAI। आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। देन उसके बाद डाउनलोड आधार कार्ड पे क्लिक करें। आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा जिसमें आधार नंबर, इनरोलमेंट आईडी, वर्चुअल आईडी आप किसी एक मेथड से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में जानते हैं आधार नंबर से कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो आप आधार नंबर पर क्लिक कर लें। आधार नंबर पर क्लिक करने के बाद आप 12 डिजिट का आधार नंबर डाल दें। देन उसके बाद कैप्चा कोड डाल दें। कैप्चा कोड डालने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करें। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी जिसे आप यहां डाल दें। देन उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएं। स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद आप यस पे क्लिक कर दें। यस पे क्लिक करने के बाद आप 6 से 10 डेज पे क्लिक करें। देन उसके बाद वेरीफाई एंड डाउनलोड पे क्लिक करें। देन उसके बाद आप अपने आधार कार्ड को ओपन करने के लिए आप अपने नाम का 4 डिजिट कैपिटल में डाल दें। जैसे मेरा नाम हुआ राकेश, तो RAKE। देन उसके बाद आप अपने डेट ऑफ बर्थ का ईयर डाल दें। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ हुआ 5/2/1994, तो आप 1994 डाल दें। देन उसके बाद ओपन पे क्लिक करें। तो आप देख सकते हैं आधार कार्ड ओपन हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट्स में डाल दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू सो मच, बाय।